सकते हो। एक और बंदा आ गया उधर, हो रहा नया बंदा उधर के। मेरा कैमरा भी थोड़ा इशू दे रहा है, मतलब कैमरा भी इतना ठीक नहीं है मेरा तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेक बॉयस में स्वागत करते हैं आप सभी को। तो गाइस, कैसे है आपकी जिंदगी? तो आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत दिनों से ब्लॉग बना भी नहीं पा रहा है, तो आप लोग समझ चुके होंगे क्यों नहीं बना पा रहा है। तो देखिए, चलते हैं। और आज थोड़ा सा कह ड्यूटी पे गए थे आज के दिन, तो आज का ड्यूटी के थोड़ा सा झलक देखते हैं। और अभी तो घर रूम पे आए हैं, तो थोड़ा सा ड्यूटी पे गए थे उसका झलक देखने के बाद थोड़ा सा दिखाएंगे हम इधर आके क्या किए। तो चलिए देखते हैं। A few moments later. तो गाइस, आपको पता है मैं 6:30 बजे बस में चढ़ गया था। उधर देख सकते हो इतना भीड़ लगा है, मतलब लाइन लगा है बस में चढ़ने के लिए, इतना लाइन देख सकते हो। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया फिलहाल। तो गाइस देख सकते हो आगे वाला बस निकल चुका, अभी हम भी निकलने वाले हैं। तो निकल चुके हम भी। तो गाइस, अभी गेट पास के लिए उतर चुके। ये फैक्ट्री है इधर भी। इधर सिक्योरिटी लोग देखते रहते हैं वहाँ से, कैमरा कैमरा है उधर से, इसी कैमरा में बहुत बड़ा सा। इधर पाइपलाइन, बड़ा सा गेट है रे बड़ा। तो गाइस, मेरा गेट पास हो गया, अभी जा रहे हैं। फिर भीड़ लग चुका है रे गाड़ी में, अभी छोड़ के चला जाएगा शायद। इतना सारा भीड़ है रे। बोल बोल, जो 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 लाइन में लेना पड़ेगा रे बाबा। मुता लक्ष्य है यार करने, एक उठा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, पता है हरामी हो। तो गाइस देख सकते हो और भी लोग आ रहे हैं, देख सकते हो इतना इकट्ठा हो रहा है। अभी अंदर घुसेंगे, मेरा फोन इधर ही रखेंगे ये लोग, मतलब कि मैं छोड़ के जाने वाला है
अलाउ नहीं है ना अंदर लेने का, तो यहीं पर छोड़ के जाएंगे हम लोग। Six and a half hours later. गाइस देख सकते हो उधर फोन रखा था मैंने, और उधर सकते हो बाहर निकल गए अभी। हाँ शुलेन हॉर ये भी था साथ में, और उधर तो अभी चलने वाला है रूम पे, और शायद कहीं घूमने जाएंगे रूम के बाद, तो चलिए देखते हैं। और तो गाइस बाकी के लोग आया नहीं है तो उनको वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं आने के बाद चलेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो इधर कंपनी का नाम लिखा है MSEZ। गाइस यहाँ का व्यू बहुत शानदार होता है रात को, मतलब ऐसा लगता है दिवाली चल रही है। ये लोग जाने वाले हैं ना चिप के लिए। 15 minutes later. गाइस अभी हम तो रूम पे आ गए हैं, और अभी तो दोस्त लोग के साथ जंगल पे जा रहे हैं, मतलब कि साग सब्जी कुछ मिलेगा तो हम तोड़ के लाएंगे, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। देख सकते हो उधर वो लोग वो रहा, तो गाइस क्या मिलता है हमें देखते हैं, तो चलते रहिए। तो गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे ये वीडियोस की आने वाली आपको पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले हमारे वीडियोस। तो देखते रहिए, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फेसबुक के भी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस चलते हैं, वो लोग चला गया किधर बात चला गया वही के लिए, जंगल ही जंगल है चारों तरफ, किधर बात चले गए ये लोग। टंकी बनाया था ये कंक्रीट का बनाया है शायद, और ये लोग अभी हम इनके साथ जा रहे हैं। इधर रास्ता है छोटा सा सड़क जैसा है, तो चलते हैं क्या क्या मिलता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ और मतलब जीव जंतु मारने का अलाव नहीं है, और पेड़ कटने का भी अलाव नहीं है, जेल हो जाएगा इधर पेड़ एक काट दोगे तो, इसलिए कोई पेड़ सेड़ नहीं कटता है इधर। इधर घर भी है, मतलब कि लोकल लोग कोई कोई रहता है और किराया वगैरह लेते हैं भी, मतलब कोई रहता है लोकल लोग रहते हैं इधर। देख सकते हो ये घर ही है ये भी, कोई कोई तो डरेगा इधर, इतना जंगल है। इधर भी है लोग और हाथ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो डॉगी भूखने का शुरू किया, डॉगी शोगी भूख रहे अभी लोकल है। इधर ये घर, और मैं अभी जा रहा हूँ इधर, हम लोग मतलब हम चार लोग हैं। ये सफेद सफेद डॉगी देख सकते हो, और रहा डॉगी देख सकते हो इतना सुंदर सुंदर है ना। और मेरा कैमरा भी थोड़ा इशू दे रहा है, मतलब कैमरा भी इतना ठीक नहीं है मेरा, तो इस बार सैलरी मिलने से मैं सोच रहा था कि नया फ़ोन लेगा, तो गाइस मेरे को सैलरी भी नहीं मिला, मतलब इस बार सैलरी मिलने से कोई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब खाने पीने के, और जो घर से आए थे वो उन लोगों ने नहीं दिया था हम लोग को किराया, तो इसलिए इस बार हमारा सैलरी नहीं बचेगा, उनको देने में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डॉगी चला गया है, मतलब सुअर का लोकल लोग रहते हैं, मतलब पाल के रखे हैं।
यहाँ से वो सीन देखो भाई, वो धुआं निकलता है फैक्ट्री से, वो कैंटीन हमारा वो दिख रहा है, वो रहा रूम, रूम है ना कैंटीन की तरह, फिर उस तरफ है। तो ये छोटा सा सड़क है, मतलब इधर लोकल लोग आना जाना करते हैं। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल भर चुका है। हम साग सब्जी ढूंढने को आए थे, किधर मिलता है बोल रहे थे, साग मिलता है, मिलता है यहाँ। अरे तो भाई आपसे पूछ क्या साग 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 सब्जी उधर मिलेगा, उधर मिलेगा। लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़्यादा साग सब्जी लेते हैं, मतलब जंगल से तोड़ के, हम लोग को ढूंढने ही नहीं आता है। हम लोग ना क्या पता है, हम लोग को तो आज ही आए हैं इधर, नहीं आता है हम लोग को घूमने ही आता है, ये बोल ही दिया। और उधर उधर भी घर है, कैंटीन और इधर है हम लोग का कैंटीन, इधर से हम लोग का कैंटीन दिखता है। ओ रहा, ओ पानी का टैंकी दिख रहा है ना काला काला, और काला काला वो रहा हम लोग का कैंटीन। गाइस आप लोग जरूर बताइएगा मेरे को कि आप लोग क्यों नाराज है मेरे से, मैं रोज वीडियो डाल दिया इसलिए नाराज है, या फिर कुछ अलग अलग मतलब कुछ अलग सोच के लिए नाराज है मेरे से। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इधर कमेंट नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, उधर भी मेरे से बात कर सकते हैं, मैं हर टाइम ऑनलाइन रहता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरे यार डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बोलना ही नहीं आता है, अभी तो बोल दिया। तो गाइस उधर देखिएगा ज़रूर, तो उधर लिंक मिलेगा, उधर से फॉलो कीजिए और आप बातें कीजिए, और कुछ मतलब कि कुछ कमेंट करिए कि आप एक कमेंट करोगे तो मेरा लाइफ मतलब कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ अलग दिखा पाएंगे, और मतलब कि कुछ नया करने की कोशिश कर पाएंगे। और आप लोग कमेंट करोगे तो तभी ना मैं कुछ अलग कर पाएगा। आप लोग ऐसे ही नाराज़ हो क्या हो कैसे ही पता चलेगा मेरे को। आप तो एक कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी मतलब बड़ा होगा, मतलब मोटिवेशन भी आएगा मेरा। एक कमेंट में मोटिवेशन मिल सकता है मेरे को, वही बोलना चाहता था। मेरा तो कैसा करना है, क्या नहीं क्या नहीं, तो ज़रूर बताइए। तो इसलिए आशा करता है, तो ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं और आगे का नज़ारा। देख सकते हो एक और बंदा आ गया उधर, वो रहा नया बंदा उधर कैंटीन तरफ से आ गया। हम लोग तो उधर जंगल से आए हैं, इधर से इस तरफ से, ये इस तरफ से आ गया। हम लोग को पता था कि ये इस तरफ भी एक रास्ता है, फिर भी हम लोग इधर कुछ साग सब्जी मिलेगा बोल के मतलब आए थे इधर। इन लोग हैं और इधर जाने वाले हैं, इधर देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, मतलब देखो जंगल ही जंगल है चारों तरफ, इस तरफ और ये इन लोग, जंगल चारों ही तरफ चारों तरफ। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत दिनों से मतलब ट्रेवलिंग कर नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं ड्यूटी पे जाता है, और ड्यूटी पे छुट्टी बुट्टी तो नहीं मिलता है, तो इसलिए ट्रेवल भी नहीं कर पा रहा है। शायद सैलरी मिलने के बाद ही ट्रेवलिंग कर पाएंगे, तो तब तक हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए मेरे को। तो आप लोग क्या बोले, और आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं करते हो, मतलब मेरे खासकर मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के वजह से मैं जो भी हूँ आज, जो भी कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, जो भी मतलब कि कॉन्फिडेंस आ रहा है आज, तो उनको उनके वजह से आ रहा है, मतलब
क्या बोले और, तो बोलने की शब्द नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं अभी और देख रहे हैं वीडियो, तो इसलिए थैंक यू कहना चाहता है उन लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को। तो इतना ही बोलना चाहता है और अभी तो गाइस और आगे देखिए अभी गाइस, ये यहाँ तीन वाली ट्रायंगल है, तर मतलब इधर ये एक, इधर भी एक सड़क है और इधर भी है एक। हम आए हैं इधर से, इस तरफ से अभी जाने वाले हैं इस तरफ। तो गाइस हम इस तरफ जाने वाले हैं। इन लोग कंफ्यूज्ड है अभी किधर जाएंगे, किधर किस तरफ से जाएंगे। अभी हम लोग अभी इस तरफ से जाएंगे या फिर उस तरफ से जाएंगे। गाड़ी आ रहा है तो कंफर्म हो गया कि हम इस तरफ से जाएंगे। देख सकते हो उधर वो लोग चले गए, उधर एक बड़ा सा पाइपलाइन भी है, वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ बड़ा सा पाइपलाइन है और ये, और मैं पीछे रह गए, मतलब कुछ शूट कर रहे थे और इंस्टा का रील बना रहे थे। ये बंदा दोस्त अभी आगे जाएंगे। और लोकल बंदा था यार ये, यहाँ का लोकल बंदा। तो अभी जाएंगे आगे और हाँ कुछ फैक्ट्री का नज़ारा, वो धुआं निकलता है फैक्ट्री से, क्या बोलते हैं उसको। ये घर भी क्या शानदार घर है यार, ये रहा। आपको बता दो, बताना भूल गया मतलब कि इधर यहाँ भी एक ट्रायंगल है इस तरफ नहीं है। इधर कहाँ हो जाता है पता नहीं, इधर भी हम इस तरफ से रूम जाएंगे रूम पे। तो ये कायर कट्टे का विलेज है, मतलब गांव एरिया है। तो देख सकते हो ऐसा जंगल है चारों तरफ और यहाँ पर जगह जगह पर मतलब कैमरा लगा हुआ है रास्ता में, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकता है, इसलिए कैमरा लगाया है इधर जगह जगह पर। गाइस देख सकते हो ये नज़ारा, यहाँ गाड़ी वाड़ी भी बहुत तेज तेज चलता है, मतलब आपको उड़ा के ले भी जा सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है इधर, इसलिए जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है। मतलब कि देख सकते हो उधर वो रहा वो खंबा पर, थोड़ा पास जाके दिखाएंगे वो वहाँ सो रहा, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये लोकल बस है। ये गाड़ी वाड़ी बहुत तेज से चलता है, वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना वो कैमरा है, आप देख सकते हो उधर कैमरा हो रहा। अभी हम रूम पे जा रहे हैं, अभी जंगल से निकल चुके, मतलब कि दोस्त लोग तो आगे चला गया वो रहा। तो गाइस हम साग ढूंढने के लिए आए थे, मतलब साग, और हमें तो पता नहीं कहाँ मिलता है। तो जो जानने वाले, मतलब जो जानता है यहाँ का बारे में, वो तो आया नहीं, इसलिए हम ऐसे ही घूमने आए आगे, मतलब कैसा दिखता है ये जंगल, थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाएंगे। बहुत दिनों से नहीं डाला ब्लॉग, तो आप लोग तो बहुत मतलब नाराज़ हो मेरे से, क्यों नाराज़ हो, किस लिए नाराज़ हो ये तो पता नहीं, फिर भी। तो गाइस कैसा लगा आज के वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मतलब और दोस्त लोग भी देख पाएंगे ये वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बाय, जय हिंद वंदे मातरम। और भी एक ट्रायंगल है, ये हम लोग इधर से कंपनी में जाते हैं, मतलब इधर से, और इधर तो रूम है इस तरफ से, ये दोस्त लोग बैठे हैं इधर।
और यहाँ से आए हैं इस तरफ से, इस तरफ मार्केट भी जाता है और कहाँ कहाँ जाता है ये तो मालूम नहीं। जब सैलरी मिलेगा तब मतलब ट्रेवल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके तो दे पाएंगे आपको, देंगे मतलब कि।